चीनी सामान जैसी छड़क जिंदगी, तुम पतंजलि का उत्पाद कर दो। शब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी। गीता कम लोगों ने सुनी तो फिर महाभारत हो गया, तो ऐसा ना हो कि हमको सुबह महाभारत करके जाना पड़े। आप सब ताली वाली अभी इतने बजाते रहिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। हमारा भाई विश्वास, छोटा विश्वास और बड़ा विश्वास, इतने विश्वास हो गए कि हम अविश्वास में आ गए हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा तालियां वाले बजा देंगे तो हमारा विश्वास बरकरार रहेगा। मोहब्बत की बड़ी चर्चा चल रही थी, तमाम सारे लोगों ने बातें करी, तो मोहब्बत का ही मैं कवि हूँ। पहले क्या होता था कि परदेश पति चले जाते थे, अभी भी तमाम सारे लोग होंगे कि जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। पत्नियां तो एसएमएस और फोन सब हो गया, पहले चिट्ठियां भेजी जाती थी। चिट्ठियों में अक्सर लिखा होता था घर का हाल चाल, फिर कब आ रहे हो, होली मार रहे, दिवाली मार रहे, तो ऐसी स्थितियाँ होती थी। तो ज्यादातर स्त्रियां जब पति बहुत दिन तक नहीं आता था तो आरोप लगा देती थी कि वो जाकर किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा, इसीलिए घर की उसे सुध नहीं आती। बस इतना सा समझिएगा और सुनिएगा। स्वागत है, पढ़िए। सुनना तुम बहुत दिल जले आदमी हो। इतने निर्मोही कैसे सज्जन हो गए, वाह, इतने निर्मोही कैसे सज्जन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके फिर आए परदेश से, लौट करके फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। किसी को किसी विषय पर, डॉक्टर साहब ने किसी विषय पर पीएचडी करी होगी, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, सबका अपना अपना शोध है। कबीरदास जी का जो है शोध था कि हम धरती पर क्यों आए, हमने भी बहुत दिन तक शोध किया कि हम धरती पर क्यों आए, मतलब पैदा होने का कोई रीजन होगा सबका, तो हम धरती पर क्यों आए। तो हमने बहुत दिन तक विचार किया, फिर अंत में हमको समझ में आया कि हम वोट देने के लिए धरती पर आए। जब से मैं वोट, मेरे पिताजी ने फर्जी हमारा वोटर लिस्ट में 15 साल में नाम लिखवा दिया, तब से लेके आज तक हम वोट दे रहे हैं, हम नहीं जान पाए कि इस वोट से होता क्या है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है और हमारी वोट से लोग बने बने घूम रहे। तो हमने चार फर्जियां लिखी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जुमला बहुत चर्चित है, जैसे ही चुनाव आता है गाड़ियों पर लिख जाता है 2017, 2019, 2021, पीछे बड़े बड़ा लिखा रहता है, तो लक्ष्य 2017, लक्ष्य 2019। तो प्यार में भी लक्ष्य होता है विश्वास भाई, जो आपका दिल टूटा वो लक्ष्य के कारण टूटा। मतलब हाँ, होता है 500 का रिचार्ज, 200 का रिचार्ज, टॉप अप, लक्ष्य। तो दोनों लोग मिला के सुनना कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे थे गधे। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आवारा,
इस पर हम भरोसा करते हैं। बाद में वही स्थितियां खराब निकल जाती हैं, तो वो स्त्री वही खत लिखती है कि आदमी न हुए काला धन हो गए। कहती है यहाँ समय बड़ा खराब चल रहा है, नायक कहता है जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, अक्सर आश्वासन मिलता होगा आप लोगों को भी कि आएंगे तो लेके आएंगे। तो वो नायक कौन है और नायिका कौन है और झुमके कंगन क्या है समझ में आ जाए तो सबका आशीर्वाद मिले। कि चैन मिलता नहीं है न दिन रहने में, नायिका कहती चले आओ भाई, कि चैन मिलता नहीं है न दिन रहन में, तुम हो पुल छे कहां लेन में, लेन में। मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन, आग लग जाए। तो परिस्थितियां क्या होंगी, समय अच्छा मूल्यवान आना चाहिए। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, क्या बात है, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। शब्र की एक सीमा भी होती पिया, शब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी। बाबा जी की बात हो रही, इतना ही का वो कहती है कि प्रीति ग्रंथों का अनुवाद कर दो हमें, मैं हूं बर्बाद आबाद कर दो हमें, चीनी सामान जैसी क्षणिक जिंदगी, तुम पतंजलि का उत्पाद कर दो, पतंजलि का कर दो। ये सब सारी बातें हैं तो खैर वो तो चलती रहेगी, लेकिन मैं पहला कभी हूँ इसलिए आपकी तालियां ज्यादा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, पहला कोई हलवाई जलेबी बनाता है तो पहली भट्टी जो पहली जलेबी जो है भट्टी में झोंक देता है, तो हमको आप भट्टी में झोंका हुआ कभी ना समझो, हम स्टैंडर्ड क्वालिटी के निम्न कभी हैं। वो बात कर रहे थे तमाम उनके लुगाई हुए क्या नहीं सेटिंग हो पाई, हमारी पत्नी जब आई तो हमसे पूछे कि तुम, मैंने सुना है तुम कवि हो, जब मतलब हमारा जब पहली बार विवाह हुआ तो पत्नी ने मेरी कहा कि जो है आप मेरे सौंदर्य वर्धन में आप कुछ कहिए, आप कवि हो तो उसका तेवर देख के हमने चार पंक्तियां लिखी आपको सुना देता। स्वागत है। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर वा कटार लेके आई हो, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर वा कटार लेके आई हो, हों है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि, कामदेव आप समझ रहे होंगे बाबा रामदेव के एंटी हो, बाबा रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, बस इतना था। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर वा कटार लेके आई हो, हों है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि, रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का
कोई शस्त्र हो। फिर बोली कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? हमने कहा प्रभाव क्या पड़ा है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। हाँ, बिटिया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, बहुत शुद्ध हिंदी की पढ़ी थी, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं ऐसी कविता पढ़ूं। स्वागत है, पढ़िए, बहुत अच्छा। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। सीधी सीधी बात करो, वो क्या ताल वाल ठोंक रहे थे। और इतना बेचारे मेहनत किए, फिर भी कोई आज तक नहीं हुआ, पता नहीं कि सीधी बात करो। अब भाषा के लिए आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। वाह, आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ। बहुत कौन सारे नारे देश में चल रहे हैं कि नारी बचाओ, स्त्री बचाओ। स्त्रियों से पुरुष बहुत प्रताड़ित है, लेकिन पुरुषों की आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं है। अकेले हम हैं जो इस मुहिम पर लगे, बाकी पूरा देश नारी बचाओ, नारी बचाओ, पुरुष ना बचाओ। भाई नारी बचाने मतलब यह है कि सारे पुरुषों को बुलडोजर लगवा के समझ। तो पुरुषों को भी बचाओ, नारियों को भी बचाओ, दोनों जो बचाओगे समाज तो उससे दोनों से मिलकर के बनता है। हमारे बड़े कवि हुए हैं दिनकर जी, तो उन्होंने लिखा उनकी पूर्वशी एक महाकाव्य है, तो उसमें लिखा उन्होंने कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी शरद शार्दूल फूल निज हिंस भाव, ग्रह मृग बनकर अहिंस जीते। ग्रह मृग मतलब होता है कुत्ता, डॉक्टर साहब जानते हैं, प्रोफेसर हिंदी के, कुत्ता ही होता है। ग्रह मृग मतलब घरेलू पशु, घरेलू पशु कौन होता? कुत्ता होता है। तो कहा कि शेर हाथी गैंडे चीते बड़े बड़े शोरमा जो है वो स्त्री के सामने कुत्ता हो जाते हैं। अब ये जितना सत्य हो आप सब समझते हैं कितना हो सकता है, हम तो खैर अनुभव करते हैं जीवन में बने। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, पुरुष के पास भी शक्ति है, तिरस्कार की शक्ति है, स्त्री के पास आकर्षण की शक्ति है, तो पुरुष के पास तिरस्कार की शक्ति है। भाई आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते, तो लात तो मार ही सकते हैं। हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपने को जानो। जैसे वोटर को हमने बताया, जो अगर वो ना हो 1%, तो आप तालियां बजा करके हमें बताइए। जो हमने कहा भी वोट देने वालों के लिए, उसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। तो अपने को जानो, तो हमने 4 पंक्तियां अपने सौंदर्य में लिखी, आप तालियां बजा दीजिए एक बार। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला। हम पुरुषों ने 1 करोड़ कविताएं लिखी स्त्रियों के लिए, आज तक भारत में इतनी कवित्रियां हुई पुरुषों के सौंदर्य में 1 पंक्ति कोई ला कर। तो हमने खुद लिख लिया, अपने आप लिख लिया कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख न देखने के लिए, दोनों लोग देखते हैं। हम अपनी पत्नी देखने गए शादी के लिए, तो क्या उसने हमको नहीं देखा? उसने भी हमको देखा, पर हम ज्यादा देर देख ले तो साला हमारा घूर रहा था हमको। अब वो देख रहे थे तो वो सत्यनारायण की कथा करवा रहे। हम देख ले तो अपराध है, हमारे यहाँ तमाम कानून बने हुए हैं कि हम ज्यादा देर नहीं देख सकते। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी। आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंख आंख होगी बात, बात देखना ही चाहती हो भर के नयन देखो, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ। देखना ही चाहते हो
भर के नयन देखो, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ, फेंकना ही चाहती हो दिल से उतार फेंको, चिट्ठियों का फेंकना भी कोई फेंकना हुआ, चिट्ठियों का फेंकना भी कोई फेंकना हुआ, ऐसे न लपेटो उंगली में ओढ़नी का छोर, ऐसे ही लपेटना भी क्या लपेटना हुआ, दूर दूर से निबाह बाह से मिली न बाह, ऐसी भेंट हो भी तो क्या कोई भेंट ना हुआ, ऐसी भेंट हो भी तो क्या कोई भेंट ना हुआ। आई बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन आप तालियां पीछे वाले थोड़ा कम बजा रहे हैं, मैं पता डॉक्टर साहब जब पढ़ेंगे तब वो बजाएंगे, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम क्या हम तो बराबर पढ़ रहे हैं कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा। इतना हरियाणा की तारीफ डॉक्टर साहब किए हैं कि पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। सरकारी आयोजन होता आपका तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सुंदर है, वरना सरकारी आयोजनों में इतना बड़ा पत्र मिलता है कि आप इन विषयों पर बोलिए। डॉक्टर साहब की भाषा पर तमाम प्रतिबंध है, उन्होंने एक गीत भी लिखा है, तो मैं एक गीत पढ़ देता हूँ। हम कवि हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं देश में, वरना लोग वोट के लिए बात करते हैं कि गहन गिरि बरस अघन वन में, गहन गिरि बरस अघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, नाग फनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नाग फनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नाग डॉक्टर साहब के शो होते हैं विदेशों में, कई कई लाख रुपए के होते हैं। आज इस छोटी जगह पर वो आए तो किसी ने कहा भी था कि डॉक्टर साहब इतनी छोटी जगह पर डॉक्टर कुमार विश्वास का शो हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ हम कवियों के लिए क्या है जिंदगी, झोपड़ी या महल मैं कब देखता, क्या बात है, वाह, झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर है वहीं मरहम का कारोबार मेरा, नाग फनियों की गली फूल का व्यापार मेरा, नाग खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, वाह, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, तुम जहाँ की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वही चंदन से निर्मित द्वार मेरा,
रहा नाग फनियों की गली में फूल का जा पार मेरा नाम किसका पाकिस्तान का जिक्र आया था बीच में मैं तो उससे कहता हूँ कि हम एक साथ आजाद हुए हम आज चंद्रमा पर पहुंच गए और तुम कश्मीर में घुसने की सोच रहे मतलब ये क्या इसका कारण क्या है कारण सिर्फ इतना है कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है हमने जितनी बार कोशिश की उतनी बार उसने गलत रास्ता चुना एक जैसा सूरज एक जैसी हवा एक जैसी मिट्टी एक जैसा भोजन फिर ऐसा क्या है कि तुम पतन के रास्ते पर दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है भोर लगती दोपहर जैसी तपन है मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है तू उन्हीं धागों अर्थियों पर सज रही है देह तेरी अर्थियों पर सज रही है देह तेरी डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा नागफनियों की गली में फूल का जा रहा है